इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम फॉर्म हेडर और फॉर्म फुटर जो हम हमारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इन्हें हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म, जहाँ पे हम स्टूडेंट का डाटा एंटर कर सकते हैं जिसमें उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जो भी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखें कि इसका जो ऊपर का एरिया आपको नजर आ रहा है ये दरअसल इसका कहलाता है हेडर, और इसी तरह आपको जो नीचे का एरिया नजर आ रहा है ये इसका कहलाता है यहाँ पे फुटर। तो अब हम चलते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसके डिजाइन व्यू पे आप जाना है। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद अभी यहाँ पे आपको कहीं पे भी पेज हेडर और पेज फुटर लिखा हुआ, सॉरी फॉर्म हेडर और फॉर्म फुटर लिखा हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है फॉर्म हेडर एंड फुटर पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का जो हेडर है वो डिस्प्ले हो जाएगा और जो आपके फॉर्म का फुटर है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका फॉर्म फुटर है और इसके नीचे का जो एरिया नज़र आ रहा है ये दरअसल आपने इसको इसकी सेटिंग चेंज करनी है। और इसी तरह फॉर्म हेडर के जो नीचे का एरिया नज़र आ रहा है इसकी भी आपने सेटिंग्स चेंज करनी है। याद रहे आपको कि फॉर्म हेडर में और पेज हेडर में फ़र्क है, इसी तरह यहाँ पे फॉर्म फुटर और पेज फुटर में फ़र्क है। तो हम इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा वो फॉर्म फुटर और फॉर्म हेडर के ऊपर होगा। तो वापस आते हैं फॉर्म हेडर की तरफ। इसकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे ओपन नहीं भी होती तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टी शीट तक एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया है आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे सबसे पहले इसकी फॉर्मेट सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ तो देखें कि ये हमारा ब्लैक डिस्प्ले होगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फुटर जो है इसको इसका भी कलर यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो ये भी यहाँ पे ब्लैक डिस्प्ले होगा। और इसी तरह आप वापस आते हैं फॉर्म हेडर की तरफ। इसका साइज आप चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे 0.25 है इंचेस है, अगर मैं इसको 0.5 इंचेस कर देता हूँ तो देखें इसका साइज यहाँ पे बढ़ गया। और इसी तरह फुटर जो है इसका साइज भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये हेडर एंड फुटर जो है ये आप वापस जाके इस पे राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू पे जाएंगे तो देखिए आपके इस फॉर्म पे ये हेडर और फुटर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि हेडर में आपने फॉर्म से मुतालिक बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम वापस के डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसके फॉर्म हेडर पे। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स में से हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म, या आप यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि अब देखें कि इसका टेक्स्ट जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस पर राइट क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ पे जाके इसका कलर जो है इस तरह का रखें जो कि नज़र आए। तो मैं अगर इसको वाइट कर देता हूँ तो अब ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जो हमारा फुटर है यहाँ पे मैं कॉपी राइट्स ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इसके कॉपी राइट्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहीं पे भी आप टेक्स्ट बुक बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है कॉपी राइट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं @2019, या आपने कॉपी राइट्स यहाँ पे ऐड कर दी। इसका भी टेक्स्ट यहाँ पे ज़्यादा सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं और इसका भी जो कलर है वो हम यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने देखा कि हमने अपने हेडर एंड फुटर में यहाँ पे ये दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब आप वापस जाते हैं और यहाँ पे आके इसको सेव कर लेते हैं पहले हम। अब आप इसके फॉर्म व्यू पे जब जाते हैं तो देखें कि जो हमने चीज़ें ऐड की थी वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं। हमारे हेडर पे टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और कॉपी राइट्स में ये लिखा। अब कॉपी राइट्स में हमें जो फुटर है इसका साइज थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा, तो वापस चलते हैं इसके डिज़ाइन व्यू पे और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 0.5 और इसको भी यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब वापस चलते हैं, इसको सेव करके फॉर्म व्यू पे आप जाएंगे तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जब भी अपने फॉर्म में हेडर ऐड करना है या फुटर ऐड करना है तो ये वो तरीका है इसके ज़रिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने हेडर के ऊपर जितनी भी सेटिंग्स अप्लाई करना चाहें, कलर चेंज करना चाहते हैं,
या इसका जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे तमाम सेटिंग्स दी हुई हैं, सेटिंग्स को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म हेडर और फुटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि किस तरह से हम अपने फॉर्म में हेडर एंड फुटर को एडजस्ट करते हैं।